आधी मोहब्बत आधा फसाना ढूंढ ले ऐ दिल। हाँ बोलो। हेलो जवाब, ये ताया बू क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं ताया बू? उन्होंने बोला है कि मेरी शादी राशिद भाई से। मुझे तो बोलते हुए भी घृणा आ रही है। तुम फिक्र ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात पे यकीन करो। मगर उन्होंने ये सब कहा क्यों है? अरे वो परेशान है सना की वजह से। कल को राशिद भाई की शादी होगी ना, सतेली माँ का किस तरह का रवैया होगा सना के साथ, उसकी वजह से वो परेशान है, और कोई वजह नहीं है। थोड़ा सा घबराए मैं, प्लीज। हाँ तो मैं हूँ ना, मैं आऊंगी ना उस घर, मैं ख्याल रखूंगी। हम दोनों होंगे, सना हमारी बेटी बनके रहेगी ना, इसमें क्या मुश्किल है? बस तुम ताया बू से शादी की बात करो। इफ्रा देखो, मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं था, लेकिन मैं 2 साल से पहले तो वैसे भी शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जॉब की वजह से शायद मुझे जर्मनी जाना पड़े। हाँ क्या मतलब? मेरा क्या होगा? कहा ना कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। इश्क तेरा सता, मुझे फिक्र लगा के कहते हो कि मैं फिक्र ना करूं। जल्दी बात करो। हाँ हाँ मैं देखता, तुम बस रिलैक्स करो अभी। इफ्रा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बस बस चलो नीचे चलते हैं और कुछ खाते हैं, ठीक है? क्या चाहिए, क्या चाहिए मेरी बेटी को? हाँ आज तो बड़ी अच्छी बच्ची बनी हुई है, क्या चाहिए? अरे क्यों लेकर गए थे तुम इसे छत पर इतनी गर्मी में, और क्या जरूरत थी तुम्हें इसे यहाँ लाने की? क्यों ना लाता, बेटी है मेरी, मैं खुद पालूंगा इसको। क्या तजर्बा है तुझे बच्चे पालने का? क्या हो गया, क्या हो गया? तजर्बा नहीं है तो हो जाएगा ना तजर्बा, पाल लूंगा मैं। अच्छा मुझे दो, देखो कितना रो रही है, दो मुझे। क्यों? आप जाके आराम करें, मैं देख लूंगा। ये जिद क्यों कर रहे हो? पकड़ाओ मुझे, पकड़ाओ। नहीं अम्मी आप जाएं, मैं देख रहा हूँ उसको। चलो हाथ धो गई भाई। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरी प्यारी सी गुड़िया, क्या चाहिए? क्या हो गया तुझे, कितनी सिगरेट पिए गए? खुदा के लिए पूरी डिब्बी खत्म कर दिया तूने। सर काश इस सिगरेट के धुएं की तरह ना सारे मसले भी हो जाए। तो समझा यार उनको, और अगर नहीं समझ आ रही तो खुद समझ ले। तो ये कह रहा है कि मुस्तकबिल की खातिर मैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूं। वाह यार, तेरी कुर्बानी से 2 लोगों का मुस्तकबिल बच सकता। सोच जरा राशिद भाई और वो भतीजी,
पर अगर तू पीछे हट जाएगा उन लोगों का फ्यूचर भी बन सकता है। और यार तेरी जॉब, तेरी करियर, उस पे फोकस कर, ये मौके बार बार नहीं मिलते। ये नहीं हो सकता, इफ्रा के अलावा मुझे कुछ और नहीं समझ आएगी। यार तू दिल से सोच रहा है, दिमाग से सोच, और अगर इतना ही है ना तो तेरे जी में जो आता है वो तू कर। यहाँ पे बैठ के मेरा क्यों टाइम जाया कर रहा है तू? ये तो मुझे दे। कुछ भी हो जाए ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। सना से प्यार अपनी जगह, मगर जवाद, मैं जवाद की जगह किसी और को नहीं दे सकती। जवाद कभी ऐसा नहीं होने देगा। मैं सिर्फ उसकी मंगेतर तो नहीं, उसकी मोहब्बत भी हूं। जवाद समझा लेगा। हाँ समझा लेगा, सबको, सब ठीक हो जाएगा।